वैसे मुझे आगा का ये रवैया पसंद नहीं आया। क्यों? क्या किया आगा ने? पहली बात तो ये कि वो हमें गेट पर रिसीव करने नहीं आया। And secondly, for the last 15 minutes हम यहाँ पे बैठे हैं और उसका कुछ नहीं पता। Actually, जब आप लोग आए हैं, आगा उसी वक्त शावर लेने गए थे, वरना आप लोगों को वेलकम जरूर करते। यंग मैन, क्या चल रहा है आजकल? जी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। शादी वादी का इरादा नहीं है क्या? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, शादी से तो बेहतर ये है कि आदमी कोई जानवर पाल ले। क्या मतलब है आपका? क्वेश्चन डार्लिंग, मैं हसन को बता रहा था कि शादी करने से बेहतर है कि आदमी जानवर पाल ले, दिल लगा रहे। बड़ी कोई अजीब सी बात की है आपने। और तुम्हें पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है जानवर को पालने में? बेजा बेवक्त की उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी करनी। दिल लगाने के और बहुत से काम हैं। बीवी को जानवर से क्यों मिला रहे हैं आप? भी ऐसी बातें करते रहते हैं बेटे की। अच्छा तो अब तुम मुझे ये बताओगी कि मुझे क्या बातें करनी चाहिए? हाँ नहीं वो मैम। क्या कह रही थी डार्लिंग तुम? I'm sorry. आवाज नहीं आई मुझे। I'm sorry. A bit louder. I'm sorry. Yes. Now I can hear you. Sorry. I like sorries, you know that. I love stories. हाँ तो सन मैं क्या कह रहा था? जानवर पालने का। हाँ जानवर पालने का सबसे मेन एडवांटेज जो है ना वो ये है कि वो आपको जवाब नहीं देता और जिया को कोई जवाब दे वो उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों डार्लिंग? अरे बेटा मैं तो सही चल भी नहीं सकता, भला खेलूंगा कैसे? कोई नहीं खेलता मेरे साथ, कोई भी नहीं। अंकल चले ना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज प्लीज नाराज मत हो, मैं उठ तो जाऊं पहले। चले 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 अंकल चले। ये खेलेंगे खेलेंगे। अंकल फास्ट फास्ट अंकल अंकल और फास्ट और फास्ट। अबू मैं जीत गई मैं जीत गई मैं जीत गई मैं जीत गई मैं जीत गई। अबू अबू उठे अबू, राम आराम से आराम से आराम से आराम से सर बचाइए, आराम से उठे उठे उठे। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हुई हो क्या? ठीक तो है ना सब? ठीक तो है राम। संभाले अपने इस तोहफे को जो आपने हमें दिया है। वो चले मैं आपको अपने कमरे में छोड़ू, आइए आराम से आ जाइए आराम से। ठीक तो है ना? हाँ
तू फिक्र मत कर। मैं जीत गई। अबू आपको ज्यादा चोटें तो नहीं आई? ठीक तो है ना आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप उस सारा से दूर रहा करें, उसकी अकल काम नहीं करती है। कोई बात नहीं बेटा, बच्ची है। सब अम्मी की लालच की वजह से होगा। आमिर, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा था। इसने बुरा क्या किया है? मैंने अच्छा क्या किया है ये बता दीजिए। आमिर बेटा, जाओ और जाकर आराम करो, सुबह तुम्हें जाना भी है। जब ज्यादती की मेरे बेटे के साथ, बहुत ज्यादती। अच्छा आप चुप करके सो जाएं, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। अभी चोट लगी है, आपको पता नहीं चल रहा, सुबह उठेंगे तो दर्द महसूस होगा। या अल्लाह, या तो इस बच्ची को सही कर दे या इससे मेरे बेटे की जान छुड़ा दे। बुरी बात है बेटा, बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते। क्या नहीं करते? तुमने राणा साहब को क्यों गिराया बोलो? मैंने नहीं गिराया, वो तो खुद ही गिर गए। लेकिन जब वो गिरे ना, मुझे बड़ा मजा आया, जीत गई ना। आइंदा ऐसी हरकत मत करना बेटा। क्यों? मैं तो खेलूंगी। हाँ इससे बोल। मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे डैड के पास जाना है। और टाइम डांटते रहते। अच्छा सॉरी मेरे बेटे, सॉरी। चुप हो जा, चुप हो जा, क्या है? मेरा बेयर नहीं मिल रहा। नहीं करो सारा, सोने दो। नो, मुझे मेरा बेयर ढूंढ के दो प्लीज ना। सारा यार, सारा नहीं, सोने दो। ये क्या हो गया ए? और ये गिरी नहीं क्यों है? क्या हो गया है आमिर? इसने मुझे पुश किया, इतने जोर से धक्का दिया। अब ये देखे। अबे तू भी ना, बच्ची के साथ बच्चा बन गया है। ये बच्ची लाई हुई भी आपकी है, प्लीज इसे संभालो और यहाँ से लेके जाए। खुदा के लिए मुझे छोड़ने दे। चल मेरे साथ। मुझे मेरा बेयर नहीं मिल रहा। हाँ मैं ढूंढ के देती हूँ ना, तू चल तो सही। प्लीज ढूंढ दे। दवाई भी लगा। हर वक्त सिर्फ गुस्सा सिर्फ गुस्सा करता रहता है। अच्छा तो तुम पागल होने के साथ साथ बदतमीज भी हो।
सारा बेटा खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खाना। मुझे ये खाना नहीं खाना। बेटा क्यों नहीं खाना? मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मैं ऐसे खाना नहीं खाती। क्या खाओगी बेटा तुम? मुझे ना मुझे पास्ता खाना है। देखो सामने जो रखा हुआ है चुपचाप खा लो, तो तुम्हारे डैड के घर नहीं हो तो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी। तुम ना तुम चुप करो, एंग्री बन गई क्या? हर वक्त सिर्फ गुस्सा 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 सिर्फ गुस्सा करता रहता है। अच्छा तो तुम पागल होने के साथ साथ बदतमीज भी हो। वेरी गुड, तू चुप कर जा आमिर, मुझे बात करने दे। हाँ बेटा क्या खाना है तुझे? मुझे ना मुझे अल्फ्रेडो चिकन पास्ता खाना है। जाए चाइना चाइना बनाए ना। बेटा वो तो मुझे बनाना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, अभी मंगवा लेते हैं पास्ता। आमिर बेटा बाहर से पास्ता ले आओ। अबू मैं भी नहीं जा सकता, मैं थका हुआ रेस्टोरेंट से अभी भी तो आया हूँ, और वैसे भी रात को इसे इतना तंग किया है कि मुझे सोने तक नहीं दिया। अबुल पास्ता 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 क्या मुसीबत है? खाना भी सुकून से खाने नहीं देती है। पास्ता वास्ता नहीं है, अगर ये खाना है तो खाओ वरना जाओ यहां से प्लीज। आमिर क्या किया ये तूने? आमिर तुम बिना वजह उस बच्ची पर नाराज क्यों हो रहे हो? बुरी बात है, इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अरे वो तो ये भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि वो अपने बाप से दूर हो गई, उसे याद करके रोती है। वो कभी उसकी बाप से उसकी दूरी नहीं हुई, और एक तुम हो उसे बिना वजह डांटते रहते। आखिर पता नहीं उसके बाप ने उसे कितनी नाज नखरों से पाला होगा। अब जो जहां है उसको वहीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। अरे पास्ता के अलावा भी कुछ खा लो ना, देखो तो सही, देखो कितनी चीजें हैं, शामी कबाब है, फ्रूट्स हैं, इनमें से कुछ खा लो बेटा। नहीं मुझे पास्ता खाना है, पास्ता खाना है, पास्ता खाना है, पास्ता। अच्छा ठीक, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। सच? थैंक यू फ्रेंड, जल्दी बनाना। चल के बैठो। अरे तुम कब आई? थोड़ी पहले आई थी। I'm sorry, मैं सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। तो मुझे उठा देती? आज फिर झूठ बोलकर आई? जी आज भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर आया, और वैसे भी मुझे बुखार भी था। वैसे हैरत की बात है, अपनी माँ के घर आने के लिए झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें। क्योंकि मॉम आपके घर के साथ वाला घर जिया की बेटी का है। अब अगर कहा कि यहाँ आना है मुझे तो कहेगा कि सारा से मिलो फिर यहाँ आओ, और फिर ये रोज का मामूल बन जाएगा। और वैसे भी आपको पता है मैं अकेली नहीं जाऊंगी वहाँ। आई कैन नॉट फेस देम राइट नाउ। कितनी देर के लिए आई हूँ? फिलहाल तो जिया ऑफिस में है, और एक दफा वो ऑफिस चले जाए और काम में मसरूफ हो जाए तो पलट कर फोन नहीं करते, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। फिर तो लंच हम बाहर करेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि ब्रेकफास्ट करोगी, चाय पियोगी, कॉफी पियोगी, क्या करोगी? आप एक काम करें मुझे कॉफी बना दें, बहुत टाइम हो गया आपकी हाथ की कॉफी। अभी बना दो।
बैठ। एक तो इस कुक ने ना पता नहीं चीजें कहाँ कहाँ रखी होती हैं। तैवीना बेगम, किचन में क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। ये देखिए कि सामने क्या पढ़ रही हो? तरकीब पढ़ रही हूँ। कैसी तरकीब? अरे वो है ना, क्या कहते हैं उसे, पिस्ता पास्ता, क्या कहते हैं भाई? पिस्ता नहीं, पास्ता कहते हैं, पास्ता। उसकी तरकीब पढ़ रही। अच्छा, अब तुम पास्ता बनाओगी? बनाना तो पड़ेगा ना राणा साहब, वो बच्ची खाना नहीं खा रही। आहा, काश हम भी इतना खुश नसीब होते। रहने दे राणा साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना शुक्री मत करें। अब देखे ना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये चीजें तो मैंने कभी देखी ही नहीं और इस्तेमाल भी नहीं किए। तहमीना बेगम, अब ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिंदगी को आसान बनाओ, आसान समझी? कैसे मंगवाऊं? चलो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता ये सब कुछ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छुप छुप कर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और वो खाना जो हमारा परहेजी है उसे साइट पर रख के ऑर्डर किया हुआ खाना खा लेते हो? हाँ तहमीना बेगम, अब मैं इतना भी बेईमान नहीं हूँ जिस तरह मंगा कर खाता रहो। ऑनलाइन देखते हैं, अभी आ जाता है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ है। राणा साहब, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक काम करें, आमिर के पास जाएं, उसे कहें कि क्या कहते हैं पास्ता पास्ता, आप वो ऑर्डर कर दें। पास्ता कहते हैं? हाँ हाँ वही। अभी जाकर उसे कहें। ठीक है। सर है, तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आ गई। क्यों, मेरी शक्ल पे आपको आईना लगा हुआ नजर आ रहा है क्या? मुझे अपनी सीट पे बैठा देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। यस, आई एम शॉक्ड। ये मैनर्स के खिलाफ है।